लेडी लव क्लब, मतलब ये ऐसी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आराम से थाईलैंड में लीगल हो चुका है। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखेंगे, पीछे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे खुलेआम वीड मिल जाएगी। समंदर पे मुझे मच्छी मिली, मच्छी नीला नीला आसमान, पीली पीली रेत, क्या नजारा है यार। लुक, यो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। हम लोग हैं पताया में, अभी हमारा पहला दिन है और शाम पड़ने वाली है। सामने बीच रोड है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक बहुत ही फेमस बीच है पताया में, जोमटियन बीच, और उसके बाद फॉलोइंग अप वील बी गोइंग टू जोमटियन नाइट मार्केट। तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा स्ट्रीट फूड खाएँगे। पॉसिबली दिस विल बी ए कंटिन्यूस वीडियो, पहले जोमटियन बीच जाएंगे उसके बाद जोमटियन नाइट मार्केट। अगर बीच पे ज़्यादा मज़ा आया और वीडियो लंबी बन गई तो फिर एक ही वीडियो रहेगी, फिर जोमटियन नाइट मार्केट आप देखेंगे सेकेंड वीडियो में। अभी हम लोग टुक टुक ढूंढ रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग थाईलैंड आए थे तो 10 बाट में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते थे, मैक्सिमम 20 बाट। तो अभी एक टुक टुक लेते हैं एंड आई कैच यू अप एट द जोमटियन बीच। अच्छा, हम लोग अभी टुक टुक में बैठ गए हैं और सबसे कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इफ़ यू आर इन पताया और इफ़ यू आर इन बैंकॉक। और नॉर्मली क्या होता है, ये लोग ना बड़े आराम से आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जहाँ टूरिस्ट देखते हैं 100 बार 200 बार फटाफट से मांग लेते हैं। बार्गेनिंग करो और जितना इनका रेट एक्चुअल में बनता है उतना लो, और स्पेशली अगर जो टुक टुक है वो शेयरिंग बेसिस पे है। अगर शेयरिंग बेसिस पे है तो आप 10-20 बाट में आराम से पताया बीच रोड के आसपास या इनसाइड डाउन साउथ आराम से आप जा सकते हो। हम लोग जा रहे हैं जोमटियन बीच, मैंने इसको 50 बाट दिए हैं हम दोनों के, ठीक है, 50 बाट फॉर बोथ ऑफ अस। हम लोग आपको जोमटियन बीच पे मिलेंगे। अब ये आप देखिए एड है पीछे टुक टुक में, लेडी लव क्लब, मतलब ये ऐसी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आराम से टुक टुक में होती हैं, क्योंकि यहाँ का ऐसा कल्चर है, ट्रेडिशन ही इनके ऐसे हैं, बहुत यू नो इजी गोइंग पीपल है यहाँ के, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ इन्जॉय करते हैं। ये अलग ही दुनिया है। ये जो एरिया है ये साउथ पताया भी इसको कह सकते हैं, पंजाबी तड़का। सो गाइस, हम लोग जोमटियन बीच पहुँच चुके हैं। ओह माय गॉड मैन, एक चीज़ मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वैसे तो बीच का जो स्ट्रेच है वो काफ़ी लंबा है पताया बीच रोड का। इस वक्त ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं ये है जोमटियन बीच रोड, और बीच का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये एक बीच है जहाँ पे आपको फॉरनर्स ही मिलेंगे, इंडियंस नहीं मिलेंगे, एंड खाली खाली सा थोड़ा सा आपको माहौल लगेगा। अगर आपको बीच इंजॉय करना है, सनसेट इंजॉय करना है, और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप ये भी देखिए, यहाँ पे ये भी देखो यार, लुक एट दैट, आई थिंक दैट्स लेबुआ ओवर देयर। वो सामने जोमटियन बीच रोड है एंड दैट्स द बीच। आप देख सकते हो कि बीच, अगर हम लोग बीच पे आते हैं तो पूरा भरा होता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एवरीवन इज़ इंजॉइंग, जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं पताया बीच रोड पे। अभी यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल है, वेव्स हैं बहुत प्यारी, यहाँ पे लोगों ने अपनी बोट्स लगा रखी है। ये यहाँ के आई थिंक कुछ लोकल लोग हैं जो आई थिंक यहाँ पे बोटिंग वोटिंग नहीं कराते, आई थिंक दे आर सप्लायर्स, आई थिंक फ़िश वगैरह पकड़ते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट। नेट वगैरह भी पड़े हुए हैं, वो देखिए, ये देखो नेट वगैरह भी पड़ा हुआ है, लॉट्स ऑफ बोट्स, सो मैनी ऑफ देम। बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे इस टाइम। ये देखिए यहाँ पे लोकल थाई पीपल इज रनिंग, अच्छी खासी वेव्स हैं, सनसेट हो रहा है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक। थाईलैंड के या साउथ ईस्ट एशिया के जो बीचेस हैं उनके सनसेट बहुत प्यारे होते हैं। ये जो माहौल है, ये जो एटमॉस्फेयर है, बहुत सिमिलर है जोमटियन बीच का, जैसे गोवा के
बीच एरियाज को होता है। वाह ये देखो यार, अभी बहुत आपको खाली खाली सा लगेगा, आपको लगेगा शायद यार ये बड़ा बोरिंग सा बीच लग रहा है, लोग ही नहीं है यहाँ पे, बट जैसे जैसे शाम होती जाएगी सनसेट के बाद ये बीच भर जाता है। मेनली यहाँ पे आपको फॉरनर्स ही मिलेंगे। और वहाँ पे आप देखेंगे तो दे आर सो मैनी पीपल अपना रिलैक्स कर रहे हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं, चिल मार रही हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम लोग भी कहीं बैठते हैं, चेयर वेयर लेते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। And Vikas bhai is also making his vlog Pandey ji lifestyle, subscribe now. तो guys बस यही है, जॉमटियन बीच है यहाँ पे, आइए एंड आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू पे इज 50 baht एंड 50 baht में आप यहाँ पे चिल मारिए। बेयर वेयर पीते हो तो इनके पास सब कुछ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, बेयर वेयर सब होती है। एंड मतलब इस टाइम थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ऑलमोस्ट सनसेट भी होने वाला है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ यार यहाँ पे, इनफैक्ट आपकी नॉलेज के लिए भी और इन्फॉर्मेशन के लिए भी, इंडियंस जो भी टूरिस्ट पत्या आते हैं, व्हाट दे डू इज़ वो पत्या बीच पे ही रुकते हैं, पत्या बीच रोड पे रुकते हैं ज़्यादातर। इस जगह पे मैंने एक भी इंडियन यहाँ पे नहीं देखा है जब से मैं और विकास भाई यहाँ पे घूम रहे हैं। काफ़ी हम लोगों ने वॉक भी किया यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये जो एरिया है, दिस हैज़ गिवन मी अ रीज़न वंस अगेन आई कैन कम बैक टू दिस प्लेस मे बी टुमारो। और इतना अमेजिंग सा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इतना हैपनिंग सा माहौल है, थोड़ा सा शांत है। और शाम को जैसे कि मैंने बताया 8 बजे के बाद ये जगह सारी लाइवली हो जाती है, स्ट्रिप क्लब्स भी है यहाँ पे, पार्टी वार्टी का भी पूरा माहौल रहता है, शायद क्लब्स भी होंगे। और मेरे पीछे एक लेन देख रहे हो ना आप, मैं आपको थोड़ा सा एक सिस्टम समझा देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी टैक्सी या टुक टुक यहाँ से जा रही है तो आपको 10 बाट में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगी। हम लोगों के एक जगह पे मिस्टेक हो गई, 50 बाट हमने दिया था यहाँ पहुँचने के लिए, हम लोग वहाँ उतर गए, हमें जाना था लेन के अंदर, ठीक है। तो लेन के अंदर जाने के लिए हमने दूसरे टुक टुक वाले को बोला कि हमें इस जगह पे जाना है। वो क्या करते हैं, अगर आपको रोड इस ऐसे गाड़ी जा रही है ना तो वो ऐसे ही जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो यू टर्न लेके उसी रोड पे घूमेगी, दैट्स वन थिंग। अगर आपको किसी भी लेन के अंदर जाना है, यहाँ पे लेन को बोलते हैं सॉय, जैसे सॉय 8, सॉय 9, ऐसे सॉय 11, तो अगर आपको सॉय के अंदर जाना है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, देन यू हैव टू हायर अ टैक्सी जो कि इस तरीके से अंदर जा रही हो, नॉट जो इस तरह से जा रही हो। आई होप यू गेटिंग कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज उससे क्या होगा आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, शायद मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूबर ने बताई होगी। तो एक चीज़ आपको और बताता हूँ यार, वीड कल्चर जो है ना थाईलैंड में लीगल हो चुका है। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखेंगे, पीछे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे खुलेआम वीड मिल जाएगी, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें वीड होती है, यहाँ पे लीगल है। अब वीड की अगर हम बात करें ना, बहुत सारे लोग उसको गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली इज़ वीड, चरस, गांजा, अफीम, ये सारी चीज़ें, राइट। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप वीड को बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, इट वर्क्स एज ए मेडिसिन। आपके बोन्स में प्रॉब्लम है, पेन है, बैक पेन के लिए स्पेशली, मेरा थोड़ा सा बैक पेन का इशू है, तो मेरे को ट्राई ज़रूर करना है। आई हैव नेवर ट्राइड वीड बिफोर, जॉइंट वॉइंट हमने एक दो बार मारा यार, वीड मैं ट्राई करूँगा, जेन्युइनली ट्राई करूँगा, जस्ट कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूँ क्या रेट वेट यहाँ पर रहता है। कैनबीज बेसिकली इसको बोलते हैं, एंड बहुत सारी आपको शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पे कैनबीज बेचते हुए, फूड ट्रक्स, स्टॉल्स,
ये बहुत ही अलग पत्तिया है जो मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था। ठीक है, तो फाइनली आपको सनसेट के थोड़े से शॉट्स दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जोमटियन नाइट मार्केट। यस, जोमटियन नाइट मार्केट में बढ़िया सा आपको स्ट्रीट फूड दिखाएंगे, पर वो आप देखोगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो सनसेट के आपको शॉट्स दिखाते हैं, उसका वीडियो ख़त्म करते हैं। सो गाइस, जोमटियन बीच की आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम आप पते आ रहे हो देन डेफिनेटली ट्राई टू कम हेयर टू जोमटियन बीच, राइट? एंड दैट्स द लेबोआ होटल आई थिंक, एंड दैट्स द 7-Eleven बिहाइंड मी। अभी यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं, बहुत सारे कपल्स यहाँ पे आ चुके हैं, दे आर गैदरिंग अराउंड, एंड बहुत प्यारा सनसेट लग रहा है। आपको दोबारा दिखाता हूँ यार, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा यार, बार बार दिल करता शॉट्स लेते जाओ। ये दिल चाहता वाला शॉट ले, मुंह में डाल इसको। देखो भाई, देखो भाई, नमस्ते। समंदर पे मुझे मच्छी मिली, मच्छी ट्राई कर। डाल, हाँ डाल। और बाबे तेरी गंदगी नहीं जा रही। नहीं नहीं, तो मैं थोड़ा सा करूंगा ना, वो मुंह में अंदर अच्छे से गिर गई फिसल गई। कहां से होगी मच्छी, मिलेगी मुझे मच्छी। थाईलैंड आए और आपने यहाँ की बियर नहीं पी तो कुछ नहीं किया दोस्तों। और बीच के सामने बैठ के बियर पीना तो भाई, भाई तुम बियर पी रहे हो, मैं तो ये नज़ारे देख रहा हूँ यार। देखो, नीला नीला आसमान, पीली पीली रेत, क्या नज़ारा है यार। लुक एट दिस मैन, उस पे मार दी दो घूंट। सीरियसली मैन, आप देखो दिस सेटिंग, दिस पिक्चरस लैंडस्केप, आई मीन दिस बीच। अब आप खुद बताओ यार, ये देखो नज़ारे यार, ये आपको और कहाँ मिलेंगे यार। जोमटियन बीच इज जस्ट अमेजिंग, सो फैसिनेटिंग यार। देखो यार, क्या सही शॉट आ रहा है यार, मतलब यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। दो बार बोल चुका हूँ वीडियो बंद करते हैं, वीडियो बंद करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट सीरियसली मैन, ये नज़ारा देखिए, पीछे भी आप देखो यार, ये देखो।